तो अब हम पटल को इस तरह से काट लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? मैं कति बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, अभी शाम का बज चुका है 4 और अभी से हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि सुबह में मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था। तो जस्ट अभी मतलब कि हम उठ गए थे 2 ही बजे, तो उसके बाद में बैठे, आराम किए, फिर खाना वगैरह खाए, फिर बर्तन, फिर उसके बाद में झाड़ू वगैरह, फिर पानी उनी ले आए हैं। और आज तो मौसम सिर्फ इसी तरह से बादल बादल करता है और उसके बाद में पानी तो आता ही नहीं है, सिर्फ इसी तरह से राती रात भर पूरी तरह से बादल किया और चारों ओर से पानी बरस रहा था, लेकिन हमारे यहाँ गांव में बिल्कुल भी आया नहीं। और अभी भी इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि मत पूछिए। और अभी तो हवा चल रही है इधर से, देखिए हिल रहे हैं। और मुनगा का ये जो है ना, हम लोग का काफ़ी मस्त हो चुका है, एकदम फूल देख रहे हैं, मतलब कि कली जो देख रहे हैं काफ़ी सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा। तो सोच रहे थे इसी को आज बनाने के लिए, तो मम्मी बोली है कि नहीं इसको मत बनाना, मम्मी मतलब कि चारू पापा जो लाए हैं ना ये पटल और गोभी, तो उसी को बनाने के लिए मम्मी बोली है। तो हम सोच रहे थे आज इसी का भुजिया बनाते, खाने का मन है। वैसे आज अभी का टाइम में ये मिलेगा, फिर कुछ दिनों के बाद में ये मिलता नहीं है जल्दी पूरी तरह से, मतलब कि बड़े बड़े हो जाते हैं ना तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग का यहाँ पर जो घोंसला है ना, ये देखिए यहाँ पर 2 बच्चे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से एकदम चिरचू करते रहते हैं। और इसका मम्मी सब वहाँ पर है, ये देखिए बैठे हुए हैं, चारा ला ला करके देते हैं। तो अभी पता नहीं कब उड़ान करता है, वैसे तो पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन है। और आम का डाली पतला सा है तो कैसे चढ़ करके देखेंगे, चढ़ करके भी देखते तो शायद पता चलता, लेकिन आम का डाली तो पूरी तरह से पतला है, मगर सीढ़ी भी लगाते हैं तो पूरी तरह से डाल टूटने का डर है, बस यही है। और आप सभी को हम बताना चाहते थे, बहुत दिनों से हमारा कड़ी पत्ता जो है देखिए इस तरह से हो चुका है, देखिए बड़ा सा हो गया है एकदम काफ़ी अच्छा। इसको हम बहुत प्यार से इसको पाल पोस रहे हैं। पहले था उसको खा दिया था बकरी, तो फिर उसके बाद में ये वाला निकला, तो हम ईंटे से इस तरह से घेराई कर दिए हैं ताकि जल्दी बच जाए। इसे लगा कर देते हैं अच्छे से, ये देखिए, क्योंकि बकरी को कह नहीं पाते हैं, वो जिधर मन करेगा उधर घुस जाते हैं और खाने की तो एकदम ना भी नहीं कर सकते, वो लोग खा ही जाएंगे। तो चलिए उसी का सब्जी बनेगा। और थोड़ा सा हम चावल फुलाए हैं, तो सोच रहे हैं कि चावल का भी रोटी वगैरह बना देंगे। तो यहाँ पर हम घर पर फुलाए हैं और यहाँ पर ही रात को यहीं पर सब्जी को छोड़ दिए थे, क्योंकि अंदर में लेटते हैं ना तो बाहर में सोते हैं हम लोग ढाबे में, मतलब कि यहाँ बरामदा में, और उसके बाद में अगर अंदर ले जाते हैं तो सारे चूहे जो है ना जितने भी है सारे को खा जाते, इसलिए हम अंदर लेकर के नहीं गए। और यहाँ पर है ये देखिए पटल, काफ़ी मस्त एकदम ताजे ताजे। तो चलिए इसको बनाना है, तो चलिए बनाते हैं गोभी को। यहाँ पर देखिए काफ़ी मस्त एकदम ताजे ताजे हैं, अच्छा इसको काटते हैं। तो इस तरह से हम निकाल दिए हैं, देखिए बेचने वाला को इस तरह से फायदा होता है, इतना बड़ा डंडी रहता है और ये पत्ता, ये देखिए इस तरह से मतलब फूल जो है इतना थोड़ा सा रहता है। तो चलिए आधा को बनाएंगे और आधा को हम रहने देंगे इस तरह से, क्योंकि सारे हम गोभी पटल आलू सारे को मिक्स करके बनाएंगे ना, तो इसलिए हम आधे आधे को ही बनाते हैं। इस तरह से पत्ते को हटा देते हैं, हटाएंगे नहीं, इसको भी हम बना देंगे, अच्छा रहेगा, ये ताजे हैं एकदम। इसको लेकिन अभी साइड कर लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। चारू भात खाएगी, हाँ रुको, अच्छा सब्जी बना देंगे ना, सब्जी खत्म हो गया है, हाँ सब्जी बना देंगे। इस तरह से हम बना दिए हैं, चलिए इसका पत्ते को भी बना देते हैं इस तरह से, इसको भी यहाँ पर काट करके डाल देंगे। गोभी का पत्ता जो रहता है ना उसका साग भी काफी अच्छा लगता है खाने के लिए।
काट लिए हैं गोभी को, अब बनाते हैं पटल और आलू को। तो आलू को छील ले रहे हैं, छिलका इसका इस तरह से। ये चरका वाला आलू है, हमको चरका आलू अच्छा लगता है। ये लाल वाला जो आलू रहता है ना, वो पूरी तरह से मीठा लगता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर चरका वाला आलू खाते हैं। तो इसे छिलका हटा लेंगे, अच्छा रहेगा। और आलू हम ज़्यादा नहीं, बस दो डाल रहे हैं। इस तरह से काट लेते हैं, इस तरह से। चलिए इसको भी इसी तरह से काटेंगे। तो आलू को हम काट लिए हैं और पटल को हम इस तरह से छील ले रहे हैं। ये छिलका जो होता है ना, थोड़ा सा कड़वा टाइप से लगता है ये वाला, तो इसलिए इस तरह से हटा लेते हैं। तो हम पटल को काट लिए हैं, मतलब कि छील लिए हैं। तो इस तरह से हम ये देखिए अच्छे से अब इसको धो लेते हैं, धो करके दो बार। और उसके बाद में हम पटल को पूरी तरह से पतले पतले साइज में काटेंगे, जिस तरह से हम आलू को काटे हैं ना, उसी तरह से पटल को भी काटेंगे। अब धो लेते हैं गोभी को भी। तो अब हम पटल को इस तरह से काट लेते हैं, आलू का जो भुजिया काटते हैं ना, उसी तरह से इसको भी काट लेते हैं। या तो फिर कुंदर जो बोलते हैं ना, कुंदर भी रहता है, इसी तरह से काटते हैं, वैसे ही काट लेंगे महीन से पतले पतले साइज में। पटल को हम पीस लिए हैं, अब चलिए बनाते हैं सब्जी। सब्जी पहले बना लेंगे, उसके बाद में रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शाम हो गया है और चावल को हम यहाँ पर पीस करके रखे हैं। ये देखिए इसको ढक दिए हैं, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। तो चलिए तेल डालते हैं। हाथ मेरा अभी तक गंदा ही है, पूरी तरह से धोए भी नहीं। चारू एकदम बहुत तंग कर रही है, जल्दी बना मम्मी, जल्दी बना। जल्दी जल्दी बनाना शुरू करते हैं। तो प्याज को हम इसमें डाल दिए हैं, अब इसी में डाल देते हैं गोभी और पटल को। अब अच्छे से इसको हम तल लेते हैं। प्याज को हम अच्छे से भुंजाने नहीं दिए, क्योंकि ये तलाएगा तब तक तो प्याज भी हमारा पूरी तरह से भुंजा जाएगा। इस चलते हम प्याज को पूरी तरह से भुंजाने नहीं दिए हैं, अभी हल्के हल्के सभी को भुंजाने देते हैं। इधर हल्के हल्के हमारा प्याज और उसके बाद में ये हमारा पटल को भी भुंजाते रहेगा, तब तक हम चलते हैं मसाला पीसने के लिए। मसाला हम पीस लिए हैं और ये देखिए काफ़ी अच्छे से एकदम तला रहा है। तो चलिए इसी में हम डाल देते हैं आलू को भी। दो टमाटर है, टमाटर को हम धो लिए हैं, आलू को भी डाल देंगे, ये भी साथ साथ में तलाएगा। बहुत दिनों बाद बन रहा है पटल और ये हमारे गोभी का सब्जी, क्योंकि बहुत दिनों बाद महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, तब ये सब्जी काफ़ी अच्छा लगता है। और जिस टाइम सस्ता रहता है ना, उस टाइम एकदम बहुत ज़्यादा एकदम लगता है कि बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। अभी महंगा है तो बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, बहुत दिनों में बन भी रहा है। तो चलिए आज तो ये पटल का सब्जी खा ही लेंगे। इसको अच्छे से तलाने देते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से भुंजा गया है, ये देखिए प्याज भी हमारा भुंजा गया और उसके बाद में ये गोभी और पटल भी भुंजा गया है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं मसाला को।
मसाला हम यहाँ पर पीस करके रखे हैं। मसाला पीसने वक्त हम आप सभी को नहीं बताएं, क्योंकि हम अक्सर आप सभी को बताते हैं कि बस सादा सिंपल सा मसाला हम अक्सर पीसते हैं, तो इसलिए हम मसाले नहीं बताए हैं। चलिए इसको मसाले को हम भून लेते हैं। और यहाँ पर है हमारा टमाटर, टमाटर को हम काट लेते हैं। तो टमाटर को डाल दिए हैं, अब भून लेते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं नमक, नमक हम नहीं डाले हैं। तो मसाला हमारा भुजा गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं मसाला वाला पानी। अब इसको हम ढक देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पर मेरा चावल है, तो देखिए इस तरह से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है एकदम। इसमें हम हल्का सा पानी डाल देंगे, क्योंकि छिलका में पानी रहता है तो ही अच्छा पतला पतला सा बनता है। इस तरह से हम पानी डाल दे रहे हैं, गरम ठंडा कोई भी पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, नमक डाल देंगे तो थोड़ा सा स्वाद और भी लग जाएगा। अब मिला लेते हैं अच्छे से। चलिए अब बनाते हैं। तो ताई मेरा गरम है, तो इसमें हम डाल देंगे तेल, फिर इसको हम चारों तरफ मिला लेते हैं। अब यहाँ पर डाल देंगे, अब इसको थोड़ा सा ढक देंगे। पांच मिनट जब चलिए अब चेक कर रहे हैं। देखिए अच्छे से पक गया है। सब्जी और छिलका रोटी बनके तैयार है। तो चलिए अब सभी के लिए खाना हम लगा दिए हैं थाली में, तो सबके लिए अब हम चलते हैं परोसने। तो दिन का हमारा भात बचा हुआ था, तो ही भात को थोड़े थोड़े लगा दिए हैं और उसके बाद में ये रोटी। चलिए रोटी दो कने रोटी। हाँ, तो चलिए खाना खाते हैं। ये छिलका रोटी, चलिए हम लोग खाते हैं खाना। और चारों तो सो गई, खाइए। दो ठो खा गई, वो गर्मा गर्म बनाते जा रहे थे और उसको हम देते जा रहे थे, दो ठो खाई और अभी सो गई है। तो चलिए हम लोग खाते हैं।